अब हम लोग स्टडी करेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में, और वायरल डिजीज़ से रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वह है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड क्या है? वायरल डिजीज़ है, और इस वायरल डिजीज़ के जो कॉजिंग एजेंट हैं उनका नेम क्या है? राइनो वायरस। तो कॉमन कोल्ड क्या है? वायरल डिजीज़ है, और इसके कॉजिंग एजेंट क्या है? राइनो वायरस। और ये जो राइनो वायरस होते हैं वह इन्फेक्ट किसको करते हैं? नोज और रिस्पिरेटरी पैसेज को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना होगा, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते। तो ये जो राइनो वायरस हैं ये इन्फेक्ट किसको करेंगे? नोज को करेंगे, और नोज के साथ किसको करते हैं? रिस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स को याद रखना है। तो जो आपको निमोनिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में जो बताए थे, उसमें स्पेशली सिम्टम्स को कैसे याद रखें उसके बारे में कुछ ट्रिक्स का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। अब इसके सिम्टम्स के केस में भी हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर इन्फेक्ट करते हैं नोज को, साथ में रिस्पिरेटरी पैसेज को, तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नोज में नोज को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और रिस्पिरेटरी पैसेज को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लंग्स को नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स को देख लें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सिम्टम्स क्या में, सिम्टम्स के केस में क्या देख रहे हैं? नेजल कंजेशन, नाक का बंद हो जाना। ये कॉमन कोल्ड होता है तो आप फील कर देंगे आपके जो दो नोस्टिल्स हैं तो उसमें कभी कभी लगता होगा कि एक नोस्टिल्स जो है वह आपका बंद पड़ा हुआ है। डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज तो कॉमन कोल्ड में आप सभी काफ़ी करते हैं। तीनों जब आपके फिलअप हो जाते हैं तो अगर वह लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ऑटोमेटिकली वह गिरते रहते हैं, लेकिन अगर वह सेमी सॉलिड में होते हैं तो उस केस में आपको डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो आप बेसिन के पास जाते हैं, थोड़ा प्रेशर लगाते हैं, तब जाके वह डिस्चार्ज होता है। और जो नेक्स्ट देख रहे हैं, सोर थ्रोट, गले में खराश आ जाना, हॉसनेस, स्वर का बैठ जाना, गले का बैठ जाना, कफ, हेडेक, टाइडनेस। तो अब इस सिम्टम्स को हम लोग याद कैसे रखें? एक्चुअली किसके सिम्टम्स हैं? तो कॉमन कोल्ड के हैं। कॉमन कोल्ड जो होते हैं वह किस वायरस के कारण? राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं? नोज, साथ में रिस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स को ये टारगेट नहीं करते हैं। तो नोज में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्पिरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो निश्चित है कि वह नोज से रिलेटेड होंगे सिम्टम्स। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक का बंद होना, और जो सेमी सॉलिड फ्लूड जो होते हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए आप सभी को बेसिन के पास जाना पड़ता है, और अगर वह लिक्विड फॉर्म में है तो उस समय भी प्रॉब्लम होता है कि आप देखते होंगे कि जब स्टडी कर रहे हैं, टीचर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो डर भी लगता है कहीं जो लिक्विड है आपके नोज से नीचे नहीं गिर जाए। तो बहुत बच्चे तो ऐसे करके रहते हैं। और अगर वह सेमी सॉलिड के केस में होते हैं तो उसको आप डिस्चार्ज करने के लिए बेसिन के पास जाते हैं। तो ये आपका जो है नेजल कंजेशन और डिस्चार्ज, और जब नोज है ये नोज से रिलेटेड हो गए। देन आफ्टर क्या देखते हैं? सोर थ्रोट, गले में खराश। गले में क्या हो रहा है? खराश हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो नेजल चेंबर से ही चल रहा है, और उसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है? आपके थ्रोट पे। और थ्रोट के केस में क्या देख रहे हैं? कि सोर थ्रोट हो जाते हैं, गले में खराश हो जाता है, और उस केस में आपको कहा जाए गाना गाने तो आप गाना नहीं गा सकते, क्योंकि आपको मालूम है आवाज़ अच्छा नहीं होगा। इसके पीछे रीजंस क्या है? हॉसनेस, गले का बैठ जाना, गला बैठा हुआ, हम नहीं गाएंगे, अजीब टाइप की आवाज़ आएंगे, जो भी सुनेंगे तो वो भाग जाएंगे। कफ, तो कॉमन कोल्ड है तो कफ तो कॉमन ही है, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कफ।
अब जब आपके नोज से रिलेटेड नोज रिस्पिरेटरी पैसेज में जब प्रॉब्लम है तो निश्चित है ऑक्सीजन को जाने में भी प्रॉब्लम होगा। और जब ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आएंगे, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी रिलीज जितना होना चाहे नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आप टायर्डनेस भी फील करेंगे, थकावट भी लगेगा, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए लेकिन वह एनर्जी जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप सफ़र किससे करें, कॉमन कोल्ड से, और एनर्जी सही ढंग से नहीं मिला, टायर्डनेस फील करें, थकावट हो रही है, कुछ भी थोड़ा सा भी वर्क करते हैं काफ़ी थकावट आ जाती है। तो कारण क्या है, एनर्जी जितना रिलीज होना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि लैकिंग कमी किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की। तो इसके बेसिस पर आप कॉमन कोल्ड के काउसिंग एजेंट राइनोवायरस का नेम याद रखें, देन आफ्टर ये इन्फेक्ट किसको करते हैं, नोज और रिस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन ये लंग्स को टारगेट नहीं करते हैं। और सिम्टम्स जो हैं तो एक्चुअली ये नोज को टारगेट करते हैं, तो नोजल कंजेशन प्लस डिस्चार्ज, और नोजल कंजेशन और डिस्चार्ज जो इसके सिम्टम्स हैं, तो वो सिम्टम्स मिलता जुलता कहाँ तक जाएगा, थ्रोट के केस में, और थ्रोट कैसा हो जाएगा, सोर थ्रोट, गले में खराश आ जाना, उसके बाद गले स्वर का बैठ जाना, जिसे होता है हॉसनेस, जिसे किसी पर्सन को कहते हैं आप गाना गाओ, नहीं आई एम सफरिंग फ्रॉम हॉसनेस, तो कहने का मतलब क्या, उसका गला बैठा हुआ, उसका स्वर बैठा हुआ है, अभी वह गाना नहीं गा सकता है। और सी फॉर कॉमन, सी फॉर कोल्ड, तो सी से कफ भी आपके हैं। और अगर नोज आपका कंजेशन के केस में है तो निश्चित है कि सफिशियंट अमाउंट में एयर भी नहीं जाते होंगे, और एयर का नहीं जाना इसका मतलब ऑक्सीजन कम मिलना, और ऑक्सीजन का कम मिलना इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज कम हो रहे हैं, और एनर्जी रिलीज कम होंगे थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो टायर्डनेस फील होगा, और जब टायर्डनेस फील होगा तो उसका इफेक्ट आपके इस एरिया में हेड में भी होंगे, तो हेडेक। अब हम सभी रिंग वर्म के बारे में स्टडी करेंगे, तो रिंग वर्म में जो स्टडी करेंगे तो सबसे पहले काउसिंग एजेंट होंगे, किसके कारण ये होते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फंगी ऑफ जेनरा है, तो फंगी ऑफ जेनरा के केस में देख रहे हैं थ्री नेम कौन कौन से हैं, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। फर्स्ट में क्या है, माइक्रोस्पोरम, सेकेंड में ट्राइकोफाइटोन, एंड थर्ड में क्या है, एपिडर्मोफाइटोन। तो बोलना तो आसान है लेकिन याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन को देखना होगा। तो आप देख लेंगे कि ट्राइकोफाइटोन इसमें भी फाइटोन है और एपिडर्मोफाइटोन इसमें भी फाइटोन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, फाइटोन। और इसमें फर्स्ट में क्या है, ट्राइको, और नेक्स्ट में एपिडर्मो, और लास्ट में क्या लगा दिए हैं, फाइटोन। लेकिन याद तो करना है, लेकिन जब फाइटोन फाइटोन को देखते हैं तो लगता है कि सेकेंड और थर्ड का नेम थोड़ा आसान हो रहा है, लेकिन इस तीनों का नेम कैसे याद रखें, तो उसके लिए एम से जो आप जानते हैं माइक्रोस्पोरम है, और ई से एपिडर्मो फाइटोन है, और टी से ट्राइकोफाइटोन। तो मैट में एमईटी मैट, मैट के केस में एम फॉर माइक्रो एस्पोरम, ई फॉर एपिडर्मो फाइटोन, एंड टी फॉर ट्राइकोफाइटोन। अगर इस मैट को आप मीट में एम डबल ई टी मीट में कन्वर्ट कर दें, और मीटिंग किसके साथ हो, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो, और इन्फेक्टेड पर्सन किससे सफर कर रहे हैं, रिंग वर्म से, अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मीटिंग होता है और मीटिंग में गलती से भी उनके नजदीक काफी हो जाते हैं, या उनका यूज क्या कर लेते हैं, टॉवेल, क्लॉथ या कॉम, तो उस केस में हेल्दी पर्सन को भी रिंगवर्म हो सकता है। तो कॉजिंग एजेंट में कंफ्यूजन तो नहीं है, और स्प्रेडिंग में तो एक तो केस आप समझ गए कि कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो ऐसे पर्सन से थोड़ा बच के रहना चाहिए,
और सेकेंड में उनका जो टॉवेल है, क्लॉथ है, कॉम्स है, यूज नहीं करना चाहिए। और ये जो डिजीज जो होते हैं वह सोइल के कारण भी स्प्रेड होते हैं। अब जो इसके सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स में देख रहे हैं कि ड्राई एंड स्केली लीजन, ड्राई एंड स्केली लीजन। और ये ड्राई एंड स्केली लीजन कहां पे देखने को मिल रहे हैं? तो स्किन पे वैसे तो नहीं है, हमें स्किन पर देखने को मिलेंगे, या नेल पर देखने को मिलेंगे, या जो आप थर्ड जो देख रहे हैं स्कल जो खोपी है यहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो ड्राई एंड स्केली लीजन, और ये ड्राई एंड स्केली लीजन देखने को कहां मिलेंगे? या तो स्किन पे, स्किन का मतलब फेस का, और जनरली फेस के केस में ज्यादा देखने को मिलता है। नेल इसमें थोड़ा कम देखते होंगे आप सभी। और थर्ड स्कल खोपड़ी, तो खोपड़ी के भी केस भी हो सकते हैं। जो सेकेंड जो देख रहे हैं, लीजन आर एकम्पेनिड बाय इंटेंस इचिंग। अब क्या होता है कि रिंग बर्म हो गया, सपोज के यहाँ पे रिंग बर्म हो गया, या यहाँ पे रिंग बर्म हो गया, अब यहाँ पर इचिंग करने का मन करेगा, और जैसे इचिंग करेंगे तो पेन भी होगा, साथ में ये स्प्रेड भी करते जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर रिंग बर्म आपके बॉडी के जिस पार्ट में हो जाता है, उस पार्ट में स्पेशली आप इचिंग ना करेंगे। इचिंग करेंगे तो बाद में पेन भी होगा और वह स्प्रेड भी करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, इचिंग करने में उसमें काफी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट काफी बुरा होता है।